एक्सीड परिवार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज सुबह की क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि आज रात 9 बजे मैं आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 का जो स्टडी मटेरियल है उसका मैनेजमेंट और उसका यूज आपको कैसे करना है, साथ ही साथ लेखपाल की तैयारी की क्या रणनीति होगी उस पर बात करूंगा। तो वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ हूं। देखिए, जैसे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे शस्त्र दे दूं, अत्याधुनिक हथियार मैं आपको दे दूं, ठीक है, लेकिन आपको उन शस्त्रों को चलाना, उनका प्रयोग करना नहीं आता है तो वो शस्त्र आपके किसी काम के नहीं है। उसी तरीके से मैं कितना भी मेहनत करके स्टडी मटेरियल बना लूं, अच्छे से मैं आपको क्लास बता दूं, सारा कुछ मैं आपको दे दूं, लेकिन आपको सही से स्टडी मटेरियल को पढ़ना, कब क्या पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ाई करना है, इसकी जानकारी नहीं है तो वो स्टडी मटेरियल किसी काम का नहीं होगा। तो इसी विषय पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पूरा अध्ययन सामग्री क्या क्या क्रम होगा वो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, ठीक है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, लगभग 9 से 10 एलिमेंट आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पे। मैं भी एक एक इसका जो सेक्शन है, एक एक जो पॉइंट है उस पर बात करूंगा, ठीक है। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है वो क्लास नोट्स मेकिंग बाय स्टूडेंट ना, पैरेलल टू लाइव क्लास। देखिए, यहां पर मैंने एक पैरेलल का निशान बनाया है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को क्लास नोट्स बनाना है। जैसा कि आप दूसरे पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, प्रिंटेड नोट्स बाय एक्सीड पब्लिकेशन। ये तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये वाला काम आप ना करें। ये काम आपको करना है, जो मैं लाइव क्लास लेता हूं उसके पैरेलल में आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है बाकायदे, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें आपका और हमारा दोनों का पैरेलल लोड रहेगा। मैं क्लास लूंगा, उधर आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंटेड नोट मैं आपको एक्सीड पब्लिकेशन की तरफ से प्रोवाइड होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वहां पे देखेंगे मैंने नंबर सिस्टम का प्रिंटेड नोट आपको वहां पर दे दिया है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं पीडीएफ फॉर्म में। ये देखिए, ये जो है एक्सीड पब्लिकेशन उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 संख्या पद्धत का ये नोट्स है। इस नोट्स में क्या क्या है, इस नोट्स में देखिए पूरा थ्योरी मिलेगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे आजकल आप जानते हैं कुछ बच्चों को ट्रिक्स बड़ा पसंद है तो आपको ट्रिक्स मिलेंगी। बाकी मैं कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिप्टिव तो आपको लाइव क्लास में बताऊंगा ही बताऊंगा। इस स्टडी मटेरियल में भी आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने यहाँ पर ट्रिक्स की भी बात किया है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल। कोई बात बताई जाए और उसका एग्जाम्पल ना दिया जाए तो उस बात का वो महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, नीचे चलिए इस, ये देखिए, ये पूरा संख्या पद्धत का पूरा लाइन से क्रम से आपको पूरा नोट्स मिलेगा। अंक क्या है, संख्या क्या है, जैसा कि आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जाइए देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था आज मॉर्निंग में कि ये जाति मान क्या है, स्थानीय मान क्या है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाया था। ये सारा नोट्स यहाँ पर आपको देखिए, ये पेज नंबर, इसका अगला पेज देखिए। ऐसे पूरा नोट्स आपको एक्सीड पब्लिकेशन की तरफ से मिलेगा। देखा गया इस पेज पर आपको, ये देखिए महत्वपूर्ण, देखिए ये ट्रिक्स दी गई हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप देखते चलिएगा, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ढेर सारी ट्रिक्स यहाँ पर दिखाई देंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये देखिए ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हर ट्रिक्स पर आपको एग्जाम्पल जरूर मिलेगा, क्योंकि मैथ में आपको पता है एग्जाम्पल्स का विशेष महत्व होता है। ऐसे आप देखते जाइए, ये आपका संख्या पद्धति का पूरा नोट्स है, लगभग वे 15 से 20 पेज का मैटर होगा। ये आपने अगर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया होगा तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास होगा। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट पर आपसे बात कर लिया। पहला हमने आपसे बात किया कि क्लास नोट्स के साथ साथ, सॉरी लाइव क्लास के साथ साथ आपको क्लास का ये नोट्स बनाना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मैं प्रिंटेड नोट अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लाइव क्लास के साथ नोट्स बनाने में लापरवाही करें। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, देखिए जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैंने आपको सुबह बताया भी था कि मैंने प्रैक्टिस शीट को दो तरीके से डिजाइन किया है। एक तरीका आपका ये है सॉल्व प्रैक्टिस शीट, और एक आपकी है अनसॉल्व प्रैक्टिस शीट। ठीक है, अब मैं इसको दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिएगा, जैसे ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए मैंने संख्या पद्धति का जो है, सॉरी ये प्रीवियस ईयर का पेपर था, मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा, मैं आपको सॉरी ये भी नहीं है, ये देखिए, ये हल अभ्यास पुस्तिका अंगणित नंबर सिस्टम के लिए, ये देखिएगा यहां से आप लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है हल अभ्यास पुस्तिका क्रमांक एक। यहां पर देखिए आपको नंबर सिस्टम के जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकायदा आपको क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं आपके यूपी लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को रखा है। देखिए कितने 90 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पर 90 क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के जस्ट बाद देखिए, ये यहाँ पर देखिए इसकी आंसर की लगी हुई है। अगले पेज से देखिए इसका आपका सोल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये आपकी जो प्रैक्टिस शीट है ये सॉल्वड है, ये हल की हुई है। देखिए यहाँ पर व्याख्यात्मक हल दिया गया है, एक एक क्वेश्चन की पूरी व्याख्या आपको मिलेगी। बस समझ में आई। देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि देखिए क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव पहले हल किया गया, उसके बाद उसी क्वेश्चन को ट्रिक्स के माध्यम से बताया गया। ऐसा आप एक नहीं कई क्वेश्चंस में देखेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, ये सोल्यूशन दिया गया है डिस्क्रिप्टिव, और उसके नीचे देखिए ट्रिक बताई गई है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग ट्रिक पर भी बात करेंगे। ऐसे 90 क्वेश्चंस हैं तो 90 के 90 क्वेश्चन का देखिए आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये सब टेलीग्राम पर है, जो बच्चे सीरियस होंगे उनके पास ये सारा कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार आज आपको बता दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से होगी। ये आपकी क्या थी, सॉल्व प्रैक्टिस शीट। इसी तरह देखिए ये आपकी अनसॉल्व पुस्तिका है। ये देखिए लिखा हुआ बिना हल अभ्यास पुस्तिका, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बिना हल के हैं, ये आपके वो इसको हल करना है। इसको लेवल वाइज बनाया गया है। देखिए पहले लेवल में 50 क्वेश्चंस हैं,
दूसरा लेबल जो शुरू है उसमें आपके 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, 50 25 75 हो गए, और ये आपका जो लेबल 3 है इसमें आपके 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। और देखिएगा ये आखिरी में इसकी आंसर शीट आपको दी गई है, ये अनसॉल्वड है लेकिन आपको मैंने आंसर शीट यहाँ पर हमने आपको दे दिया है, ठीक है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, क्या कि आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो सॉल्व के साथ साथ अनसॉल्व दोनों मिलेगा, दोनों पे आपको अभ्यास करना है। और देखिए अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चैप्टर वाइज रहेगा। जैसे मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो नंबर सिस्टम में यूपी लेखपाल या कोई भी लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वो राजस्व लेखपाल हो, चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, यूपी के साथ साथ और जो राज्य अगल बगल के हैं जैसे कि हरियाणा हो गया आपका, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ के लेखपाल की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देंगे। मैं आपको फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कहाँ पर है प्रैक्टिस शीट, ये रही, ये देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 संख्या पद्धत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सोल्यूशन बैंक लिखा हुआ है, ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन एंड सोल्यूशन बैंक, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पटवारी, छत्तीसगढ़ पटवारी, हरियाणा पटवारी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों तथा उनके हलों का ये कलेक्शन है, संग्रह है। देखिएगा आप ये देखिए, ये देखिए पूरा जो है विगत वर्षों में पूछे गए ये प्रश्न है सब। देखिए पहला क्वेश्चन यूपी चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए यूपी चकबंदी लेखपाल 2015 का दिया गया है, ऐसे इधर देखिए ये चकबंदी लेखपाल 2015, ये सब सॉरी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए ये देखें हम यहाँ पे देखें आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये देखें छत्तीसगढ़, ठीक है, और ये शायद जो पटवारी केवल लिखा है शायद ये एमपी पटवारी का पेपर है का क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको हरियाणा पटवारी के मिल जाएंगे। तो ये सारा कलेक्शन आपको दिया गया है, ये देखिए हरियाणा पटवारी में पूछा गया प्रश्न। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो संख्या पद्धत के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इनका देखिए आप कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नीचे व्याख्या पूरी दी गई है, हर क्वेश्चन की व्याख्या आपको मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल गए, ऐसे आपको हर चैप्टर का मिलेगा अलग अलग, ठीक है। उसके साथ मैं आपका जो है चैप्टर वाइज ये देखिए टेस्ट प्लान करूंगा, जैसे मैं आपको संख्या पद्धत अगर पढ़ा रहा हूं तो संख्या पद्धत जैसे ही खत्म होगा मैं आपका एक टेस्ट लूंगा कि आपने क्या सीखा, आप नोट्स बना रहे हैं जो आपको ये सारे मटेरियल आपको ये सब जो यहां से लेकर यहां तक ये दिए जा रहे हैं इनका क्या कुछ फायदा आपको हो रहा है, आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको पता करने के लिए मैं आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा ये चैप्टर वाइज। एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि ये सैंपल पुराना है क्योंकि अभी तो मैं पेपर बनाऊंगा आपके लिए ना, ये देखिए, ये देखिए जैसे नंबर सिस्टम के देखिए ये 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये बहुत पहले मैंने बनाया था किसी अन्य एग्जाम के लिए, ऐसे मैं 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन का, ठीक है, आपके लिए तैयार करूंगा। जैसे देखिए ये नंबर सिस्टम का है, ऐसे मैं आपके लिए तैयार करूंगा और मैं चेक करूंगा कि एक अध्याय में आपका कितना इंप्रूवमेंट है, आप कितना कर पा रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, ठीक है। 5200 पद हैं लेकिन हमको लगता है 5,500,000 फॉर्म पढ़ने वाले हैं, तो 5,50,000 में हमको निकल कर 5,200 में अगर आना है तो बहुत काम करना होगा, ठीक है। और देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद हम आपका मॉड्यूल वाइज टेस्ट करेंगे, एक मॉड्यूल में 5 अध्याय हैं, जैसे ही 5 अध्याय
आपके पूरे हो जाएंगे एक मॉड्यूल पूरा, यानी फिर मॉड्यूल टेस्ट आपका मैं लूंगा, यानी उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसका अभी सैंपल मेरे पास नहीं है, ये मैं आपको डिजाइन करके दूंगा, ठीक है। उसमें 5 अध्याय रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेगा, तो हर अध्याय का 10-10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, और जब आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो आखिरी में मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट मैं आपका करवाऊंगा, मॉडल पेपर जिसको आप ये भी कह सकते हैं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, ठीक है, फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर भी बात होगी। मैं गेस करके दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन और अच्छे अच्छे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और सबसे आखिरी में देखिए आपका ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब मैं आपको ध्यान देना, जब मैं आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जब मैं आपको चैप्टर वाइज ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दूंगा तो ये चीज अपने आप कवर हो जाएगी। मैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को निकालूंगा, तो जैसे जैसे मैं आपका ये वाला काम करवाता जाऊंगा, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, तो धीरे धीरे अपने आप आखिरी में जब आपका बैच खत्म होगा, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके हल हो चुके हैं। तो ये पूरा कंटेंट है जो आपको मिलेगा, ठीक है, सारी चीजें हैं, कहीं से आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए सब डिजाइन किया है, और साथ ही साथ देखिए मैथ के साथ साथ जो अन्य आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे ये देखिए, ये भारतीय राज व्यवस्था की मैं बात करूं, ये पूरी ना 40 पेज की बुक है, ये देखिए यूपी लेखपाल के लिए इंडियन पॉलिटी की पूरी ये बुक है, एक्सीड पब्लिकेशन द्वारा बनाई गई है, ये इसमें पूरा इंडेक्स दिया गया है कि किस पेज पर क्या है, संविधान का निर्माण, संविधान के स्रोत क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, सारा पॉइंट वाइज दिया गया, मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका, संसद, ये सारी चीजें एक एक करके देखिए, सारा ये पूरा इंडेक्स दिया गया है, कुछ भी नहीं बाकी रह गया है, और यहाँ से आपका ये पहला पेज डिटेल में दिया गया है, पॉइंट वाइज आप लोग पढ़ते चलिए, लेखपाल के अकॉर्डिंग सारा मैटर बनाया गया है। ऐसे आप देखेंगे तो ये जो है आपका लगभग 40 से 45 पेज का ये मैटर है, ठीक है। इसको ये भी बुकलेट मैंने अभी शाम को, आज ही मैंने इसको शाम को भेजा है, अभी लगभग आधा घंटा पहले, सॉरी आधा घंटा नहीं, 2-3 घंटे हो गए होंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लेना, सारा मैटर टेलीग्राम पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा सारा का सारा मैटर आपको टेलीग्राम से मिलना है। टेलीग्राम पे जाइएगा और वहां पे आप सभी लोग जो है एक्सीड पब्लिकेशन का चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी हो गई, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपका ये ग्राम समाज एवं विकास, विलेज सोसाइटी और डेवलपमेंट का कंटेंट है। इसका पहला भाग ग्राम समाज पे मैंने आपको एक मैटर दिया है, ये ग्राम समाज का कंप्लीट मैटर नहीं है, अभी मैटर इस पर बन रहा है धीरे धीरे। ये देखिए पूरा लगभग ये 7-8 पेज का मैटर केवल ग्राम समाज पर है, ये मैटर लगभग आपको जैसे ये पहला पार्ट है ऐसे कम से कम 7-8 पार्ट में मिलेगा, और एक पार्ट कोई पार्ट आपका 8 पेज का है, कोई 10 पेज का, तो लगभग 100 पेज का मैटर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारा कुछ आपको बताया गया है, ग्राम समाज से संबंधित जितना कंटेंट है आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। देखिए सारी चीजें आपको मिलेगी, नक्शा क्या है, खसरा क्या है, और जो जो भी इसमें होता हो, ठीक है, ये ग्राम समाज वाली जो आपकी फैकल्टी है आपको डिटेल पूरा समझाएगी, ठीक है। ऐसे देखिए और जो कंटेंट हैं, जैसे ये तो आपके मेन कंटेंट हो गए, मेन कंटेंट के अलावा कुछ जो है और भी कंटेंट रहेंगे जो आपको मिलते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक कंटेंट आपका ये देखिए महत्वपूर्ण है, ये देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020, ठीक है, खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के भारतीय माप, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है देखिए पूरा, ठीक है। ये खेती संबंधी मापजोक है, गज क्या है ना, जरीब क्या है,
बिसवा क्या होता है, बीघा क्या होता है, एकड़ क्या है, हेक्टेयर क्या है, तो इसको भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो ये तो हो गए आपका, देखिए ये खेती संबंधी विभिन्न प्रकार के भारतीय माप। भारतीय माप के अलावा अन्य मापे भी हैं, वो भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। ये देखिए अन्य महत्वपूर्ण माप, ये आपका मेंसुरेशन में काम आ जाएगा। ये सारा देखिए आपको, अभी आप में तो बहुत लोग को मात्रक नहीं आते होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंसुरेशन में काम आ जाएंगी। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। जब मैंने मापन का ये बनाया तो मैंने जो भारतीय माप हैं और उसके अलावा जो मेंसुरेशन में अन्य मापों का प्रयोग होता है, दोनों को मिलाकर एक प्रैक्टिस शीट बना दिया है। मतलब मिसलेनियस में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और मैंने जैसा कि कहा कि जब आपका पूरा बैच समाप्त हो जाएगा तो ये देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 का ये हल सहित विगत वर्ष का पूरा पेपर है। परीक्षा की देखिए तिथि यहाँ पर दी गई है, ये 13/9/2015 द्वितीय पाली का ये पेपर है। प्रथम पाली का भी होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा ये पेपर कंप्लीट पेपर है। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या बताया कि जब मैं आपको अध्याय वाइज प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा दूंगा तो ये क्वेश्चन तो अपने आप कवर हो जाएंगे। फिर भी आखिरी में मैं ये कंप्लीट पेपर है, ऐसे कम से कम 10 से ज़्यादा पेपर होंगे। अभी मुझे आइडिया नहीं है पूरा कितना है, लेकिन मोर देन 10 होंगे, 10 से ज़्यादा ही पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, ठीक है। ये प्रॉपर पेपर है, ये मेरा कोई बनाया हुआ पेपर नहीं है, ठीक है। ये आपको मिलेगा, ये देखिए इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए पूरा ये व्याख्यात्मक हल सहित है, पूरा आपको व्याख्यात्मक हल इसका मिलेगा। एक एक क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये कितने क्वेश्चन हैं टोटल, ये देखिए अंतिम क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, तो आपको देखिए 100 के 100 क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिए, एक को छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। एक एक क्वेश्चन का देखिए 100 के 100 क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन है। ऐसे आपको दसियों पेपर मैं देने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जितना हो सकता है। ये द्वितीय पाली का देखिए उसी परीक्षा का ये प्रथम पाली का पेपर है, ये देखिए ये आपका उसी तारीख में पहली पाली का पेपर है, ये भी पूरा कंप्लीट सॉल्व है। ये आप देखिए पेपर, इसमें आप देखेंगे तो 1 से 25 क्वेश्चन तक, ये देखिए 1 से 25 क्वेश्चन तक, ये देखिए यहाँ तक 1 से 25 क्वेश्चन तक आपका हिंदी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर देखिए ये 50 तक, ये आपके मैथ के क्वेश्चन है 50 तक। 51 से आपका देखिए जीके शुरू हो गया, ये शायद 75 तक जाएगा, शायद नहीं कन्फर्म 75 तक ही है। और उसके बाद देखिए ये यहाँ से 76 से आपका चालू हो गया क्या, ग्रामीण विकास। ये 100 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। उसके बाद ये देखिए आपका व्याख्या शुरू हो गई, ठीक। ऐसे और भी जो पेपर हैं, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, और भी जो पटवारी के पेपर हैं आपको मिलेगा। तो मतलब पर्याप्त स्टडी मटेरियल, जैसा कि सुबह भी मैंने आपसे कहा था कि आपको कहीं से भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल पढ़ने पर फोकस करिए, बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको कंटेंट दूंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपको बहकावे में नहीं आना है, किसी को फुसलाने में नहीं आना है, ठीक है। कोई आपसे बोले 10 घंटे पढ़ाई करिए, टोटल बकवास है। 10 घंटे कभी सीरियसली पढ़ाई होती ही नहीं है। जो 2.5-3 घंटे मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, उसके बाद 2.5-2.5 घंटे आप रिविजन कर लीजिए। ध्यान रखना सिलेक्शन के लिए 5 से 6 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई अगर बात करता है तो मतलब फिर वो बकवास कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भड़कने की आवश्यकता नहीं है। एक एक कंटेंट मैं आपको दूंगा, हाँ बस मैं यही चाहूँगा कि इतना अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब सोचिए ये सारा मैटर मैं आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले, तो आप कंटेंट को शेयर कीजिए, लोगों की जानकारी दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम के माध्यम से यूट्यूब पे जो कंटेंट है उसका अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। पूरे यूपी में या यूपी के बाहर जो भी इस एग्ज़ाम में
आने वाले हैं, एपियर होने वाले हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी देखिए, अच्छे कार्य के लिए बहुत स्पेशल रणनीति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बस प्रॉपर पढ़ते रहिए, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, यही सब आपको करना होता है। कोई स्पेशल मतलब ये युद्ध नहीं करने जा रहे हैं कि हमको बहुत बड़ी रणनीति चाहिए, बस ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना। सुबह 7:30 बजे मैंने जैसे कि बोला कि रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी आपके दो सब्जेक्ट तो चल रहे हैं, GK और मैथ, जल्दी ही मैं आपका एक आध सब्जेक्ट और लगा दूंगा, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको मैथ का कोई सेक्शन उठा लूंगा, और क्योंकि मैथ में तो कई सेक्शन है ना भाई, मैथ में अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में तो अर्थमेटिक के साथ साथ आपको पता है कि अर्थमेटिक के साथ साथ, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अर्थमेटिक के साथ साथ मैंने बोला कि उसमें सांख्यिकी भी है, स्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, फिर आपको अलजेब्रा पढ़ना है, फिर आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, फिर आपको मेंसुरेशन पढ़ना है। तो अगर अभी लॉकडाउन में कोई दिक्कत है तो मैं अर्थमेटिक के साथ साथ कोई एक सेक्शन स्टैटिक्स का या कोई भी एक सेक्शन अलजेब्रा का मैं और उठा लूंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। कई बच्चों ने कमेंट में पूछा है हिंदी चलवा दीजिए, ये कर दीजिए, मैंने जब आपसे वादा कर दिया तो मतलब मैंने कर दिया, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एक एक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आपका पूरा बैच पूरा करवा के आपका सिलेक्शन दिलवा कर ही मैं शांति से बैठूंगा। देखिए बात की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं जानता हूँ थोड़ा शक आप लोग क्यों कर रहे हैं, शक बस इसीलिए आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे जो है जो फीस नहीं चार्ज किया है, ठीक है। आपका शक जायज है, आपका शक बिल्कुल जायज है, ठीक है, लेकिन आपको शक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बस इतना ही, सारा कंटेंट मैंने आपको PDF के रूप में दिखा दिया है, आपने देखा भी होगा। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन करके सारा कंटेंट जितना मैंने अभी आपको दिखाया है, सारा कंटेंट मैंने आज कल और आज मैं कल 20 और आज 21 दो दिन के अंदर मैंने सारा कंटेंट टेलीग्राम पर दे दिया है, ठीक है। तो बस इतना ही, जय हिंद जय भारत। आप लोग घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ध्यान रखना, हम लोग का मिशन है, ठीक है, क्या मिशन है बताइए, लेखपाल के जो 5200 वैकेंसी है इसमें सिलेक्शन लेना है, ये अपना मिशन बनाकर ही आप लोग काम करिए, ठीक है। तो बस इसी मिशन को आप लोग बनाइए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।